बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का आज 11वां दिन है। आज सुबह यात्रा का सफर जो है वो लालसोट के गोलियों से शुरू हुआ। आज यात्रा 14 किलोमीटर चलकर दौसा जिले के डिडवाना गांव पहुंची, जहां लंच और किसानों से राहुल गांधी का वार्ता का कार्यक्रम रहा। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे बताया जा रहा है कि सलेमपुरा से यात्रा एक बार फिर से शुरू होगी। आज यात्रा में राहुल गांधी के साथ सीएम अशोक गहलोत, जयराम रमेश, उपेंद्र रंधावा समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता शामिल हैं। तो आज है 11वां दिन भारत जोड़ो यात्रा का। कहां से यात्रा शुरू हुई, कौन कौन से नेता शामिल रहे, पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और आपको बता दें 3:30 बजे दोपहर में एक बार फिर से यात्रा शुरू होगी। आज का सफर लालसोट की गोलियों से शुरू हुआ। 14 किलोमीटर चलकर ये डिडवाना पहुंचा, जहां पर लंच से लेकर तमाम कार्यक्रम होंगे, इंक्लूडिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज का जो सफर है वो लालसोटा। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। यहाँ से शुरू हुआ और दौसा में इस वक्त मौजूद है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। तो भारत जोड़ो यात्रा दौसा जिले में है, जहां कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। अब जयराम रमेश ने इस मौके पर बताया कि यात्रा को 100 दिन पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर राहुल गांधी कल जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं जयराम ने बताया कि अल्बर्ट हॉल का नाम बदला जाएगा, जिसके लिए मैंने मुख्यमंत्री से नाम बदलने के लिए कहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को पवन खेड़ा ने संबोधित किया। पवन खेड़ा ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को अच्छा समर्थन मिल रहा है, लोग यात्रा को लेकर उत्साहित हैं। वहीं चीन के मुद्दे पर पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार को घेरा। आज 99वां दिन है और कल भारत जोड़ो यात्रा 100 दिन पूरा होगा। कल राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करेंगे 4 बजे को, और वो होगा जयपुर में। पहले मैंने आपको जानकारी दी थी कि वो हम दौसा में कर रहे हैं, पर हम जयपुर में कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द ये अल्बर्ट हॉल का नाम भी बदला जाएगा। ये अल्बर्ट क्वीन विक्टोरिया के पति हुआ करते थे, और उनके नाम पर आज 2022 में एक हॉल होना, मैं समझता हूँ गलत है। तो मैंने मुख्यमंत्री को भी कहा है कि अल्बर्ट हॉल का नाम बदलिए। हम जब भारत जोड़ने की बात करते हैं तो सीमाओं पर भी कुछ खतरे मंडरा रहे हैं। हमारी चीन से जो सीमाएं, विशेष तौर पे अब जो अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है, सरकार खुद भी आंख मूंद कर बैठी है, और सरकार चाहती है कि मीडिया और विपक्ष भी आंख मूंद कर बैठ जाएं। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।